सब्सक्राइब कर लीजिए डीआईवाई दिव्या चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और 8:30 होने वाले हैं। एक्चुअली आज सैटरडे है तो सैटरडे को थोड़ा सा लेट जाते हैं मेरे हस्बैंड, तो वो अभी अभी गए हुए हैं और मैं बस एक वीडियो अपलोडिंग पे लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ थोड़ा सा पानी की दिक्कत हो रही है 1-2 दिन से, तो जो मेरे कपड़े हैं वो नहीं धुल पा रहे हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ कि पानी आ जाए। अभी भी मैंने मोटर चला करके देखी थी तो अभी भी नहीं आ रहा था। पानी आ जाए तो कपड़े धुल लूँ। कपड़े एक से तो कर दिए हैं, बट एक्चुअली मेरी बेटी सो रही है तो मुझे लगा वो जाग गई। हाँ, तो मैं कह रही थी कपड़े एक से तो कर दिए थे कि धुलने वाले अलग कर दिए हैं, बट इतने ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ये सारे कपड़े अभी बेड पर ही पड़े हुए हैं। इनको लॉन्ड्री बैग में भी नहीं डाल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ही है। और मेरा वीडियो हो गया है 50%, 50% और बाकी रह गया है। और ये एक स्टूल है, ये इस तरीके का है। तो ये स्टूल मैंने अभी जस्ट अपने बेड से निकाला है। एक्चुअली थोड़ी सी सुबह शाम की ठंडक बढ़ गई है और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया, मैंने सोचा कि मैं ये स्टूल निकाल लूँ। हल्का सा ना, अभी गर्म कपड़े तो नहीं पहनने। मैं हल्की सर्दियों में हमेशा ये स्टूल डाल के रखती हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। मतलब जब तुरंत डालना हो तुरंत डाल लो और तुरंत हटा लो, कोई झंझट नहीं। तो मुझे स्टूल ओढ़ना सर्दियों में बहुत पसंद है। स्टूल मेरा बहुत पुराना है, ये स्टूल को हो गए होंगे। ये मैंने लिया था जब मैंने फर्स्ट जॉब की थी लखनऊ में, ये तब का स्टूल है। 7 साल हो गए और मुझे तो ये लग रहा है, और मुझे तो ये लग रहा है अभी 7 साल ये और चलेगा। ये एक आलमबाग मार्केट है, जो भी लोग लखनऊ से हैं वो जानते होंगे। तो मैंने इसको आलमबाग से लिया था, तो मैं इसको ओढ़ करके जाती थी जब मैं जॉब करने जाती थी, तो वही सारी यादें एकदम से ताज़ा हो जाती हैं। आपको मेरा ये स्टॉल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ मेरी याद भी जुड़ी है। अभी मैं सोच रही हूँ क्लीनिंग वगैरह करके नहा धो लूँ और फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लूँ। मेरी बेटी भी उठ जाएगी, उसको भी कुछ खिला दूंगी। तो मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, और ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने कल हाथ से धुले थे। कुछ कपड़े इन द सेंस, इसमें सारी कुर्तीज हैं, इसमें मेरी सारी कुर्तियां हैं। तो ये सारी कुर्ती कल शाम को मैंने हाथ से धुल ली थी, क्योंकि ये मशीन में डालती तो फिर ये खराब हो जाती। क्योंकि मैं आपको दिखाऊं तो इसमें इस टाइप का वर्क है, इसमें मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये फंसने का डर था। तो इस वजह से मैंने ये सारी कुर्तियाँ ऐसे ही वॉश कर ली। तो बस अभी मैं इनको तही लगा लूँगी। पहले मैं सोच रही हूँ कुछ बना लूँ थोड़ा सा खाने के लिए, मुझे भूख लग रही है। तो अभी मैं थोड़ी देर में बनाने जाऊँगी सब्जी पराठा। उस सब्जी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रोटी के अकॉर्डिंग पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उस सब्जी के साथ हमेशा पराठे खाती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी वही सब्जी पराठा, सोच रही हूँ बना लूँ। तो आज मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि वो कैसे बनती है। तो या बाई चांस कभी घर में कोई सब्जी नहीं है और कभी कुछ मूड हुआ हल्का खाने का, ज़्यादा कुछ नहीं बनाने का मन है, तो आप इस सब्जी को झटपट बना सकते हैं। 5-10 मिनट में आराम से सब्जी बन जाएगी। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, मैं अक्सर इसको खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। पहले मैं नहीं जानती थी, एक्चुअली ये सब्जी मैंने बनाना सीखा है अपनी नानी के यहाँ से। एक्चुअली वहाँ पर पड़ोस में एक मामी रहती थी, तो वो एक दिन खा रही थी तो वो इसको चटनी बोलती थी। तो हमने कहा मामी ये किस चीज़ की सब्जी है, तो वो बोल रही है कि ये चटनी है, सब्जी नहीं है। मैंने कहा कैसे बनती है, तो उन्होंने कहा प्याज टमाटर से बनती है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा पता नहीं प्याज टमाटर केवल कैसे लगेंगे। उन्होंने थोड़ी सी मुझे खिलाई तो मुझे इतनी टेस्टी लगी, तो फिर मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब तो मैं अक्सर ही बनाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर करूँगी कि आप लोग भी अगर कभी मन नहीं है तो आप लोग भी अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, और बना करके देखिएगा खाकर आना कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। बाहर मशीन में कपड़े हैं वो सुखाने डाल दूंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये कुछ कपड़े थे, मैंने आज धुल के डाल दिए क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धुले हैं, थोड़े से ही धुल करके डाले हैं। डलाने के बाद मैं सब्जी बनाने जाऊँगी। तो ये है सब्जी के लिए थोड़ा सा सामान, बस केवल प्याज टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च और हरी धनिया, बस इतना ही चाहिए सब्जी को बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा ही इजी है बनाने में और बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में, मतलब मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो सबसे पहले तेल गरम करके मैं इसमें जीरा डालूंगी। उसके बाद मैंने जो प्याज काट के रखे हुए हैं, प्याज बहुत ज़्यादा महीन नहीं काटने हैं, तो मैंने हल्के से बड़े प्याज काटे हैं, तो वो प्याज मैं इसमें डाल दूँगी।
और जो हरी मिर्च है साथ ही में वो भी डाल दूंगी और इन दोनों को अच्छे से भून लूँ। प्याज जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद जो टमाटर काटे थे तो उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें नमक मिर्च के अलावा कोई मसाला नहीं पड़ता है, बट अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं। जब आप प्याज भून लें तो फिर उसके बाद हल्दी थोड़ी सी डाल लीजिए, उसके बाद टमाटर डालिए, वरना मैं ऐसे ही खाती हूँ, मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक मिर्च मिला करके इनको थोड़ी देर ढक करके रख दीजिए। अगर आप थोड़े से ज़्यादा पके हुए टमाटर लेते हैं जो कि लाल लाल पके हुए होते हैं तो आपको ढकना भी नहीं पड़ेगा, बट ये टमाटर थोड़े से कच्चे से थे तो इस वजह से मुझे ढकना पड़ गया इनको गलाने की वजह से। तो आप ऐसे ही केवल आप फ्राई करते रहेंगे तो भी ये सब्जी तैयार हो जाएगी और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस इसको 5 मिनट के लिए हल्का सा भून लीजिए प्याज टमाटर को साथ में, और उसके बाद बस ये सब्जी बन करके तैयार है एकदम। फ्रेंड्स, तो अभी हो गई है शाम और मैं पीने जा रही हूँ अपनी कॉफ़ी, और मेरे हस्बैंड का कॉल आया था। वो बोल रहे थे कि तैयार हो जाओ, मूवी चलना है, वो आ रहे हैं और लेट नाइट मूवी है थोड़ी सी। कल संडे है तो इस वजह से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए सैटरडे को हम लोग लेट नाइट मूवी वगैरह घूमने वगैरह निकल जाते हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती कि हाँ नेक्स्ट डे जल्दी उठना है। तो अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगी तैयार होने, और तब तक मैं अपने हस्बैंड के लिए दाल और सैलेड बना के रख दूंगी, तो वो आएंगे तो वैसे ही वो खा लेंगे। तो फिर चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। Thank you.
हाय फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट हम लोग बाहर आ गए हैं और ये गाड़ी लेकर के आ गए हैं। थोड़ा सा आगे खड़ी होती है और वो बोल रहे हैं कि गाड़ी वाला कहीं चाबी लेकर के चला गया है, 5 मिनट में आ रहा है। तो अभी बस हम लोग उनका वेट कर रहे हैं और अचानक से मूवी का प्लान बन गया हम लोगों का। और हम और जो मेरे नीचे फ्लोर पर रहते हैं वो हम सब लोग जा रहे हैं मूवी देखने। तो लेट नाइट मूवी है, 10 बजे का शो है, तो वही हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो ये है, तो अभी हम लोग जस्ट मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। पीछे कितने सुंदर से साईं बाबा बने हुए हैं। मैंने ये जस्ट डाल रखा है, ये जीन्स मुझे लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पर दी थी, मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे मेरे लिए।